दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की प्रेस वार्ता हो रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेंबर है आज कार्य समिति थोड़े देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है, सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई, लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं दो विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत हमारी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। मित्रों, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। कार्यकारिणी सबसे पहले नाडा जी की आह्वान पे पार्टी की सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रधानमंत्री जी को पुष्पहार देके स्वागत किए। मित्रों, कोरोना में विश्व एक असमंजस्य स्थिति में रही, हमारी देश में मास्क, पीपी किट, मेडिसिन, ऑक्सीजन की किल्लत, हमारी देश में अमूमन 1900 से 1000 मेट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती थी। इसी चाल एक सप्ताह आया जिसमें हमारी खपत बढ़ के 9000 मेट्रिक टन तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। मेडिकल ऑक्सीजन अमूमन देश की उत्तर इलाका में नहीं बनते हैं, औद्योगिक इलाका पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बनता है। लॉजिस्टिक की व्यवस्था नहीं थी, रोड, रेल, आकाश मार्ग, जलपथ सारे माध्यमों को उपयोग करते हुए देश के अंदर, देश की बाहर अनेक ऐसे अनोखा पहल करके मित्रों 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी।
लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरी खुला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्यसमिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया और उनको देश की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। मित्रों, किसी भी प्रकार की जब महामारी होती है, महामारी में लोग तहस नहस होते हैं, उनकी जाने जाती हैं, लेकिन जब जब भी विश्व इतिहास को हम पढ़ेंगे, जब महामारी या त्रासदी होती है उसके उपरांत और एक चीज उसके साथ जुड़ जाता है, भुखमरी। अर्थनीति डिसरप्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन ठप होती है, काम काज काम धंधे ये सब जब लोगों को दुविधा में डालती है, सबसे पहले चुनौती रहता है अन्न की व्यवस्था कैसे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण, मित्रों मैं आपको एक ऐसे ही सहज स्टैटिस्टिक्स बताऊं, संपूर्ण यूरोप की आबादी लगभग 75 करोड़ है, 750 मिलियन है पूरा यूरोप की, और भारत में प्रधानमंत्री जी ने 2020 मई से अब की छठ पर्व तक, 2021 नवंबर तक मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, प्रति माह 80 करोड़ नागरिकों को प्रति माह 5 किलो अन्न, चावल या गेहूं, दाल, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज देश की अर्थनीति पुनः पटरी पे आने लगा है, कामकाज सहज स्वाभाविक होने लगा है, व्यवसाय बढ़ी है, GST कलेक्शन उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है, स्कूल कॉलेज देश भर में खुलने लगे हैं, जिंदगी सहज होने लगा है। मित्रों, ये सब गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी सही समय में सही निर्णय की लेने की, उनमें जो एक डिसाइसिव निर्णय की कैपेसिटी उनकी है, आज देश उससे लाभान्वित है। कार्य समिति ने उसके लिए भी उनको आभार प्रकट किया। मित्रों, जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है, ये हम विशेष करके भारत की एक तबका, जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370
जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थाई था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां के गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां के पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से रखी गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। वहां की धारा 370 2019 अगस्त 5 से हटने के उपरांत ये लगभग 2.5 साल हो गया है। उस 2.5 साल के अंदर आज जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ी है, पर्यटन बढ़ी है, श्रीनगर की नजारा बदली है, नौजवानों के साथ अभी अभी गृह मंत्री सीधा संवाद करके आए हैं, जम्मू कश्मीर में IIM, IIT, एम्स श्रीनगर और जम्मू में खुलने लगे हैं। ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, आज नड्डा जी ने उसको उल्लेख किया और याद किया। जब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में CAA लागू किया, कई प्रकार की शंकाएं जताई गई थी, क्या होगा, क्या किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्या नागरिकता क्यों दिया जा रहा है। मित्रों, हमें कहने की आवश्यकता कुछ नहीं है, दुनिया उसकी साक्षी है। कुछ महीना पहले जब तालिबानी ताकत अफगानिस्तान को दखल किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि प्रमाणित हुई। जिन जिन समूहों को हमने CAA के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की बात कहे थे, वो सारा विषय आज सभी को संवैधानिक ढांचे के अंदर सुरक्षा दी गई। आज उसके लिए भी कार्य समिति आभार प्रकट किया। मित्रों, इन दिनों में अनेक जगह पे अनेक पहल हुए हैं, देश शांति में रहे, प्रजातांत्रिक ताकत मजबूत हो। इतने बड़े देश में हमको लीगासी में अनिर्णयता की लीगासी के कारण, इंडिसिसिवनेस के कारण अनेक क्रोनिक इश्यू हमारे सामने था। धीरे धीरे मोदी जी की सरकार उसको एक लंबे समय के लिए कॉन्क्रीट, कोई शॉर्टकट के आधार पे नहीं, भले ही कुछ विषय के लिए हमको सामूहिक रूप में आलोचना सहना पड़ा होगा, मैं उसके एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, आज स्थायी रूप में बोडोलैंड में अनेक वर्षों के बाद शांति स्थापित हुई है। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं, देश की पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, धीरे धीरे देश में अमन चैन भाईचारा बढ़ी है। मित्रों, इन दिनों में किसानों के बारे में अनेक लोग अनेक बात कह रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक देश है, सबको अपने अपने बातों को कहने का अधिकार है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर कहूं, जब 2014 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, किसानों के खाते में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया की व्यय की व्यवस्था थी बजट में। अभी अभी वित्त मंत्री जी ने जो पिछले बार बजट स्थापित किया, वो एक्सपेंडिचर अमाउंट, व्यय की व्यवस्था 1,23,000 करोड़ तक पहुंची है। 10 किस्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दिया गया है। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो,
गन्ना हो, कपास हो, सारे एग्री कमोडिटी की, कृषि उत्पादित द्रव्यों की एमएसपी बढ़ाई गई है सीएसीपी की रिकमेंडेशन के आधार पे, और कोई तथ्य को आकलन करके देखें, आजाद भारत में हाईएस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की पिछले 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं, इसीलिए आज की कार्य समिति मोदी जी के जी को आभार प्रकट किया। मित्रों, ऐसे ही दलित मित्रों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासी वंचित वर्गों के बारे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और अनेक भावना की चीज लिया गया है जो अतीत में सरकारों ने, जिनके हाथ में सरकार रही वो सारे प्रमाण भी है, उन्होंने क्या किया और पिछले 7 साल में क्या क्या गया। मित्रों, उसमें से मैं एक विशेष समूह के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, सिख भाइयों के बारे में। मोदी सरकार ने चार ऐसे, मैं आपको गिनाने के लिए मैं कई चीज गिना सकता हूं जिसको माननीय नाड्डा जी ने उल्लेख किया है, मैं नाड्डा जी को उद्धृत करके चार विषय बताता हूं। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को एफसीआरए ग्रांट अनुमति नहीं थी, उनको वैश्विक स्तर में सिख विचार में, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया, आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। लंगर में जो गुरुद्वारा में जो लंगर लगती थी उसकी ऊपर जीएसटी लगती थी, पहले टैक्स लगता था, लंगरों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है, जीएसटी मुक्त किया गया है। लंगर समाज की एक अन्न भंडार है, सिख समाज की एक अनोखी योगदान है भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए, नाड्डा जी ने उसको सराहना किया है। मित्रों, 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मैं 84 की दंगा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा ही, बहुत लोग बहुत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समय आबादी के अंदर एसआईटी गठन करवाना और उसकी रिपोर्ट, तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट दिल्ली से, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे धर्मेंद्र।